हेलो बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप अपनी हिंदी पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 33 ओपन कीजिए। ये इस पाठ का नाम है गोपाल की गाय। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो पहला जो अभ्यास था, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ये हम पहले ही कर चुके हैं। गोपाल की, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। गोपाल की गाय का रंग कैसा है? गोपाल की गाय का रंग सफेद है। गोपाल की बहन का क्या नाम है? गोपाल की बहन का नाम मीता है। गाय का दूध कौन दुहता है? गाय का दूध गोपाल दुहता है। गाय का दूध कौन पीता है? गाय का दूध गोपाल, उसकी बहन मीता और सारा परिवार पीता है। गाय के दूध से क्या क्या बनता है? गाय के दूध से दही, मक्खन, घी तथा मिठाइयाँ बनती है। बैल किस काम आते हैं? बैल खेत में हल जोतने के काम आते हैं। अब दूसरा अभ्यास देखिए। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। गोपाल के घर एक डैश है, गाय है। गाय बड़ी डैश है, भोली है। गाय बड़ी भोली है, इसकी पूंछ के बाल काले हैं। तो यहाँ पर आपको खाली जगह पे काले लिखना है। यह बछड़ा बड़ा होकर बैल बनेगा। आप खाली स्थान पर बछड़ा लिखिए। गाय का दूध डैश होता है, यहाँ पर आप मीठा लिखिए। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, पढ़ो और सीखो। इसमें जो दिया गया है, ये लिंग बदला गया है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को चेंज किया गया है, बदला गया है। तो जो पहला है भाई, ये पुल्लिंग शब्द है, और इसका भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। गाय बैल, पिताजी माताजी, बछड़ा बछड़ी, छोटा छोटी, भोला भोली, सीधा सीधी, मीठा मीठी। अब चलिए चौथे अभ्यास की ओर। प्रत्येक दो दो उदाहरण दो। आपको दो दो उदाहरण देने हैं। देखिए, ये प है, आधा प प्लस य, क्या बन गया? प्य। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है प्यार। आपको दो शब्द और लिखने हैं, प्यास प्याज। इसमें हमने प और य, जो प्य है, ये शब्द को लिया है, प्यास प्याज। दूसरा देखिए, आधा प प्लस र, प्र प्रेम। और आपने दो लिखना है, प्रयास प्रश्न, प्रयास प्रश्न। उसके बाद श प्लस न, शुड़। ये यहाँ पे जो उन्होंने दिया है, कृष्ण उष्ण, हम लिखेंगे उष्ण और अनुष्ण। श प्लस य, श आवश्यक, श आवश्यक उन्होंने दिया है, हम लिखेंगे श्याम अवश्य। अब जो पांचवा अभ्यास है, वो क्या है? आपको दो शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक शब्द सही है और दूसरा गलत है। तो आपको जो सही शब्द है, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। सही शब्द चुनकर लिखो। आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। इसमें दूध में बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है। तो दूध का जो सही रूप है, ये पहला वाला है दूध, इसमें बड़ी यू की मात्रा लगती है, दूध। दूसरा शब्द देखिए, इसमें छोटी यू है, इसमें बड़ी यू है। तो ये गलत है, छोटी यू वाली, बड़ी यू लग जो लगी है, प बड़ी ऊ छ, पूछिए सही है। आप यहाँ पर सही वाला लिखिए, यहाँ पर प्यार प्यार, इसमें ये वाला सही है, आप यहाँ पर लिखिए प्यार। गाड़ी, इसमें गाड़ी, तो ये सही है, गाड़ी, आप यहाँ पर लिखिए गाड़ी। अब चलिए यहाँ पर जो दिया है, गोबर, गोबर, गोबर तो नहीं होता है, गोबर होता है, तो आप यहाँ पर गोबर लिखिए, ठीक है। दूसरा जो है दूहता, ये इतना लंबा नहीं होता है, छोटा है, दूहता। तो ये जो दूसरी वाली शब्द है, ये सही है, आप यहाँ पर लिखिए दूहता। पशु, पशु, ये लंबा नहीं जाता है, पशु वो छोटा है, ये वाला सही है, ये गलत है, आप इसको सही वाले को यहाँ पर लिख लीजिए बॉक्स के अंदर। पीना, पीना, ये गलत है, ये वाला सही है, पीना, तो आप यहाँ पर सही वाला शब्द लिख लीजिए, पीना। उसके बाद
छठा अभ्यास जो दिया गया है ये है, बिंदुओं को मिलाकर गाय का चित्र बनाओ। तो मैंने ये बिंदुओं को मिलाकर गाय का चित्र बना दिया है और रंग भरो। तो इसमें कोई भी आप एक रंग भर सकते हैं। गाय का जो रंग है होता है अलग अलग तरह के होता है, भूरा होती है, काला होता है, तो आप अपने पसंद के अनुसार इसमें रंग भर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।